Once again, we are back on Ekman Sochki Tea Talk Train of Thought with a series of a Damdaad Punch by Dr. Satish Mohd exclusively on Tea Talk Ekman Sochki. He is an Indian author, independent researcher, and professor of strategy. Worked in the public sector for 25 years in here, India, and into an education where he transformed the education as far as education which is concerned. And there is a lot of an acceptance as far as Damdaad Punch which are concerned. Sir, now in this episode, we'd like to know about Know That Thou Art Life. उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि संस्कृत में इसको तत्त्वम असि बोलते हैं। हाँ जी। कि जो कुछ भी संसार में है, वो आप में भी है, और आप भी जो संसार है, उसी में मिले हुए हैं। लेकिन यह जानने के पहले यह एक जर्नी है। जैसे जैसे अपना ज्ञान बढ़ते जाता है, एक बार पहले भी मैंने बताया था बोल्डिंग्स 9 लेवल ऑफ नॉलेज इन द जनरल सिस्टम्स थ्योरी। तो जब आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको ये लगता है कि जो नॉलेज जो है वही सब कुछ है। और इसके लिए वेदों में एक वाक्य कहा गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म मतलब एक यहाँ पर एक गॉड का कंसेप्ट नहीं है। ब्रह्म जो है वह इस पूरे ब्रह्मांड जिसको हम बोलते हैं कि अपना जो धरती है, अपनी जो धरती है और जो पूरा जो यूनिवर्स जो है उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, और उसी को चलाने वाला जो उसको हम कहेंगे ब्रह्म है। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब जो नॉलेज जो है, ज्ञान जो है आपको मिल जाए तो आप ब्रह्म क्या है वह आप समझने लगते हैं। ये जो हो गया ये एक्सटर्नल व्यू ऑफ लाइफ हो गया। बोल्डिंग्स जो जनरल सिस्टम्स थ्योरी है उसमें लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक जो नॉलेज है वह यह प्रज्ञानम ब्रह्म है। कि नॉलेज दूसरों के बारे में जब आप जानना प्रारंभ करते हैं तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, लेकिन वह क्या सब कुछ है? तो उसके बाद का दूसरा स्टेज आता है जब आप इनवर्ड लुकिंग हो जाते हैं, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं होते कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं उससे सब कुछ आपको ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो जब आप इनवर्ड लुकिंग हो जाते हैं और आपको अपने फीलिंग्स का और इन सब का सबकी जानकारी मालूम होना शुरू होती है, आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं, तो अपने स्वभाव के बारे में जानकारी मिलना शुरू होती है। तो इसके लिए संस्कृत में वेदों में वाक्य है कि उस समय आपको ऐसी जानकारी होने लगती है कि अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब जो एक्सटर्नल वर्ल्ड था वो तो ब्रह्म था ही, लेकिन जो आपके अंदर जो सोल है जिसके कारण कि आप जिंदा है और जिसके कारण आप सब कुछ फंक्शन कर रहे हैं वह भी ब्रह्म है। तो यह एक दूसरा स्टेज हो गया। और इसके बाद में भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है और आप बहुत ज्यादा विचार करने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि जैसे आप काम करते हैं, जैसे आपकी भावनाएं हैं, वैसे आपके भाई की भी भावनाएं हैं, आपकी पत्नी की भी भावनाएं, आपके दोस्तों की भी भावनाएं हैं, आपके साथ काम करने वाले भी वैसे ही हैं। तो जब आप स्वयं को दूसरों से आइडेंटिफाई करना प्रारंभ कर लेते हैं, जड़ और चेतन दोनों से, कि इन्वायरमेंट से भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो लोग रह रहे हैं, प्राणी रह रहे हैं, जो बहुत सारी तरह के स्पेसीज रह रहे हैं, उनको भी आप जब आपको अपने जैसे लगने लगते हैं कि अरे मेरा नुकसान ना हो बल्कि इन सबका भी नुकसान ना हो, ये जो तीसरी स्टेज है उसके लिए अपने यहाँ वेदों में कहा गया है तत्त्वम असि, मतलब आप ये समझने लगे हैं कि जो मुझ में है वही सब में है, सब में। यह एक नॉलेज का तीसरा लेवल अपने यहाँ पर आ गया। और जब यह जब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि जो मुझ में है वही सब में है, जो मुझको कष्ट हो रहा है वैसा दूसरों को भी कष्ट हो सकता है, उसके हिसाब से हम पूरा काम करना प्रारंभ करते हैं, और जब इसकी अनुभूति पूरी तरह से हो जाती है तो चौथी स्टेज आती है अहम ब्रह्मास्मि, कि मतलब जो ब्रह्म जो पूरा जिसने क्रिएट किया है मैं भी उसका अंश हूँ, और जैसे वह काम कर रहा है वैसे मेरा भी सब काम चल रहा है। यह जो फोर स्टेज ऑफ नॉलेज जो है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि, यह जब तक हम इस पूरी जर्नी से नहीं जाएंगे तब तक यह पूरा विश्व कैसे चल रहा है, उसमें विश्व में रहने वाले लोग कैसे चल रहे हैं, यह पूरी जानकारी नहीं होती तब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलता। यह जो पूरा ज्ञान का जो बंडल है, यह पूरा हिंदू फिलॉसफी, इस भारत की फिलॉसफी की देन है, और हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि इस स्टेज को, हर स्टेज को हम धीरे धीरे
आगे बढ़ते जाए। तत्वमसी सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए कि जब तक हम यह नहीं समझे कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बुरा, वो दूसरों के साथ तो मैं ना करूं, जब तक हम दूसरों से अपने आप को आइडेंटिफाई करके काम नहीं करते तब तक हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तब तक हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए नहीं कर सकते। आई थिंक कई बार ऐसा होता है, हम किताबें पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम कभी समझ नहीं पाते हैं, बट टी टॉक का ऐसा मंच है, जब भी हम ऐसे डॉक्टर सतीत मोद जैसी पर्सनैलिटी को हम सुनते हैं और दमदार पंचेस जब भी इस मंच पर शेयर होता है तो थिंग्स बिकम्स मोर सिंप्लीफाइड। सर थैंक यू वेरी मच फॉर अवेलेबल टाइम एंड बिग पार्ट ऑफ दिस टी टॉक शो। थैंक यू वेरी मच।